इस महीने ये हुआ, इस महीने ये हुआ, इस महीने ये हुआ, इस महीने ये हुआ, हर गलियां बढ़ रही है, सफाई हो रही है, मेंटेन हो रहे और सरकार ने स्वच्छ हरियाणा ऐप लॉन्च किया हुआ है। अगर कूड़ा पड़ा हुआ है आप उसकी फोटो खींच के अपलोड करिए, सुपरवाइजर वहां से आपको फोन करेगा। अगर नहीं करता है तो आप करिए, ये जिम्मेदारी विधायक की नहीं है। ये लगवाए हैं अपने उसमें ब्लॉक में पार्षद जी का एमएलए जी थे बोलकर काम करवाया। राकेश जी ने पैसा दिया और सारे काम तैयार। 12,000 रुपए लेकर के वहाँ से पानी लेकर के और फिर उसको चोरी से हमारे सारे जितने भी भाई बैठे हैं उनको दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे साथ राकेश दौलताबाद विधायक मौजूद हैं। विधायक जी, आज जनसंवाद में जिस प्रकार की लोगों की जो समस्या है, ठीक, तो क्या कैसे निराकरण करेंगे? लोग बाग अपनी अपनी बात अपनी राय आपसे जान रहे हैं और रख रहे हैं। हमारे इधर कानून के ना मेन जो वो है इस सभा का कि हमारा न्यू पलवी यार कोई 40-41 साल से बसा हुआ, ये अप्रूवल होना इस कॉलोनी के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो जो लगभग अब सिरे चढ़ने के बिल्कुल कगार पे है, तो लेकिन ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो आज लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, सफाई की भी, नगर निगम की जो समस्याएं होती हैं लोगों के पर, लेकिन नगर निगम के पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप उनके लिए क्या आगे कार्रवाई करेंगे? जैसे अपने घर के आसपास का जैसे पार्क वगैरह है ना, उसमें थोड़ा सा सिटीजन्स को भी खुद रिस्पॉन्सिबल सा होना पड़ेगा, क्योंकि पार्क एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे रोज़ सुबह शाम बड़े बुजुर्ग जवान बच्चे आते हैं, तो थोड़ा वो तो खुद भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो RW के एक MLA फंड है वो अभी हमने अकाउंट नंबर लिया है इनका, वो उसके अंदर डालेंगे। RW के लोग भी यहाँ पर लगभग काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आसपास, तो उनको क्या खास उनको मैं संदेश देते आज मीटिंग का कि आपने जनसंवाद का? RW जो भी है हमारे यहाँ पे जो भी आपने देखे थे उन वो लोग बहुत सारे तो धन्यवाद करने आए हुए थे कि उनके अलग अलग जो RW है जिनके काम हुए हैं और जिनके कुछ काम पेंडिंग है अभी, वो अभी नोट करवा ही रहे हैं। वहाँ पे सन्नी भाई की जो और टीम है, दिनेश भाई की जो टीम है, वे लोग वहीं पे रुकेंगे। 5-6 लोग जब हमारी मीटिंग जैसे अभी पूरी हो गई, वे जो बैलेंस जिनकी भी चीज़ें हैं वो अभी नोट करेंगे। अब आगामी नगर निगम चुनाव भी नज़दीक है, कैसे देखते हैं और कब तक ये चुनाव होने की संभावना है? ये जल्दी चुनाव होंगे और जो जनता के बीच में रहेगा लोग उसी को चुनेंगे। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसना प्रारंभ कर दिए हैं और जो निर्दलीय लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वह भी संदेश जनसंवाद के माध्यम से लोगों के बीच में अपने काम काज करवाना प्रारंभ कर दिए। उसी बीच में हमारे बीच में मौजूद हैं, क्या नाम है शब्द? आज यहाँ पर जनसंवाद रखा गया सनी सिंह के माध्यम से, कैसे देखते हैं आज सनी सिंह ने किस विषय पर खास फोकस किया जनता के बीच? सबसे पहले तो नव समाचार के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप बेबाक खबरें दिखाते हैं बिना रुके और बिना थके और बिना झुके। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात आज के संवाद की, तो न्यू पालन विहार की कॉलोनी के हर घर से हर गृहिणी निकली हुई थी, छोटे बच्चे आए हुए थे, जनमानस उबड़ा हुआ था। भाई विधायक और हमारे चेयरमैन साहब है राकेश दौलताबाद जी, वो यहाँ शिरकत करने आए थे। लोगों ने उनसे संवाद किया, कुछ समस्याएं थी समय पे उनका निपटान किया। भाई सनी सिंह के जो पक्ष में जो आयोजन किया गया था, उनके बुलावे पे जो आयोजन किया गया था वो बहुत सफलतापूर्वक आया। जहाँ जहाँ गेट लगाने की आवश्यकता थी, बाबा प्रकाशपुरी के छोटा गेट लगाने की आवश्यकता थी, जहाँ CCTV कैमरे लगाने की आवश्यकता थी, जहाँ रोडों में गड्ढे थे उनको ठीक करने की आवश्यकता थी, समय पर निपटारा करने का काम भाई विधायक राकेश दौलताबाद जी ने किया। बासापुर विधानसभा विधायक राकेश दौलताबाद के कार्यकाल को लगभग 3 साल पूरा हो गया है। वह अपनी कामों की गिनतियाँ लोगों के बीच में गिनवा रहे हैं या फिर आज जिस प्रकार से जनसंवाद किया गया उसमें लोगों ने उनकी तारीफें और तालियां बजाकर उनका धन्यवाद भी किया। हमारे बीच में RK कुमार मौजूद हैं, कैसे देखते हैं कि राकेश दौलताबाद का कार्यकाल 3 वर्ष का कैसा रहा? कार्यकाल विधायक जी बड़े नेक छवि के इंसान हैं, वो बड़ा कार्य अपना बड़े जनता के बीच में रह के विनम्र स्वभाव से कार्य को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है लोगों के बहुत सारी पब्लिक है
एक इंसान का काम नहीं हो तो उसके लिए नुकातीनी भी छाटता है। तो विधायक जी कोशिश कर रहे हैं कामों की, लेकिन अगर RWA जितनी भी बनी है उनका वो पड़ता है कि वो अपने एक लिस्ट बना के जितनी भी समस्याएं हैं उनको ऑफिस में दिया जाए और उनका निराकरण करा जाए, तब तो एक सिस्टम से तो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कई बार आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से एक दूसरे पे उंगलियां उठाना वो थोड़ा उचित नहीं है। सबसे पहले तो मैं राकेश जी का धन्यवाद करता हूँ, वो जनता के बीच आए और उन्होंने लोगों की बातों को सुना। राकेश जी हमारे ही बनाए हुए विधायक हैं। किसी भी काम के लिए 3 स्टेजेस जरूरी होते हैं, थिंकिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। थिंकिंग अच्छी है उनकी कि वो चाहते हैं हमारी कॉलोनी अप्रूव हो, यहाँ पे काम हो। प्लानिंग जैसा उन्होंने बताया कि वो पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। अगली स्टेज आती है एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स एग्जीक्यूशन पे होते हैं। आप कितना एग्जीक्यूट करते हो, कितना जल्दी करते हो और कितना अच्छे से करते हो, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्जीक्यूशन करते हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विधायक इस एग्जीक्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। और इन द मीन टाइम कुछ शॉर्ट टर्म्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ सीवरेज की समस्या है या लोगों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि लोग घर भेजने को मजबूर हो गए हैं, पानी वापस बह के लोगों के घरों में जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विधायक इस चीज़ का कम से कम एक टेम्परेरी सोल्यूशन। किस जगह पे पानी बह रहा है, ये एन ब्लॉक में भी प्रॉब्लम है, के ब्लॉक में भी प्रॉब्लम है, जे ब्लॉक में भी प्रॉब्लम है, ई ब्लॉक में भी प्रॉब्लम है। तो हम चाहेंगे विधायक जी कुछ इंटर्म होता है, एक सर्जरी होता है, एक फर्स्ट एड होता है, कम से कम एक फर्स्ट एड तो जरूर करें। आपने नगर निगम में कंप्लेंट की? नगर निगम में कंप्लेंट की, लेकिन अनअप्रूव्ड कॉलोनी है तो उसकी बहुत ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं होती है। ये बात हमारे विधायक जी भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं क्योंकि 28 साल पहले बने, जब नगर निगम आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो विधायक क्यों करेगा? क्योंकि विधायक जी को हमने अपनी आवाज़ उठाने के लिए बनाया है। क्या समस्या आज आप लेके आई? हमारे सामने समस्या मेनली ये है कि सबसे मेन जो मेन समस्या थी वो हमारी कॉलोनी अप्रूवल की थी, जो विधायक जी से रखी गई। हमने विधायक जी ने आश्वासन भी दिया है हमें कि भी अगले 1 साल के अंदर हम इस कॉलोनी को अप्रूव करवाएंगे। दूसरी समस्या ये रखी गई कि मेरी जो सिक्योरिटी पर्पज़ है लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, जैसे साइकिलिंग करते हैं बच्चे, सभी के बच्चों को चाहिए खेलने के लिए जगह, तो बट वो हो नहीं पा रही है क्योंकि कोई भी जैसे साधन निकलता है बच्चों को सेफली मल्टी नहीं करते बच्चे, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि इसके लिए हमारा जो कोऑपरेशन होगा वो खूब रहेगा विधायक जी के साथ। ये बात हमने रखी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द ही 1 महीने के अंदर हम इसको करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी का 3 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक जी का 3 साल का कार्यकाल मैंने सुना है, बट आज फेस टू फेस में विधायक जी से आज हुई हूँ, जो मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। बिल्कुल हमारी फैमिलियर मेंबर लग रहे थे मुझे कि भाई जो बात हम रखेंगे वो उनको सुनेंगे। और मैं यहाँ पे जे ब्लॉक में रहता हूँ और पिछले 17-18 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, और मैं IT सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ और एडमिन मैनेजर हूँ। और मुझे लिटरली देखा जाए तो यहाँ आने के बाद में मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब नए नए हम यहाँ शिफ्ट हुए थे 2002 में, तब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी डेवलप नहीं था, लेकिन 2000 जब विधायक जी हमारे राकेश जी वैसा विधायक बने थे, उससे पहले यहाँ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। उसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो एज ऑन टुडे हम उस लेवल पे पहुँच गए हैं, क्योंकि हमारे न्यू पालम विहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर मैं बादशाहपुर की बात करूँ तो इतनी बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े नेता आए थे, मंत्री आए थे यहाँ, राव नरवीर जी और काफ़ी बड़े बड़े मंत्री बने थे यहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आज तक हमारे न्यू पालम विहार की तरफ नहीं आए। लेकिन आज इस सिचुएशन में लिटरली बताऊँ तो हमारे राकेश भाई साहब पिछले 2 साल कोरोना में निकल गए और 1.5 साल अभी जो वर्किंग उन्होंने की है, तब से लेकर अभी तक 25 बार यहाँ पर राउंड लगा दिया उन्होंने, 25 बार जनसंवाद के लिए हमारे बीच में आए, हमारी जन समस्याएं सुनी। और वो आने के बाद में यहाँ पे पानी की व्यवस्थाओं को लेके, सीवरेज की व्यवस्थाओं को लेके, उनके आने के बाद यहाँ पे हमारे STP प्लांट जो कि बाबूपुर जाजगढ़ में बनने जा रहा है, उसके लिए हमें हमारे आमजन को बड़ी सहूलियत मिलेगी। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रही है यहाँ पे दौलताबाद से पीछे, जो कि हमारा एक आम गरीब आदमी, एक गरीब बच्चा भी उसमें पढ़ाई कर सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज होगी वो हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात होगी, जो कि भाई राकेश जी दौलताबाद द्वारा ये बड़े बड़े कार्य किए गए हैं। और यहाँ कॉलोनीज़ को अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे पहले जिस तरीके से लूटपाट और एक दूसरे को लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, वो एक व्यवस्था इस तरीके से चली है भाई साहब के आने के बाद कि मतलब यहाँ पे इस तरीके से कोई बदतमीजी नहीं, बड़े प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं, अच्छे अच्छे पार्क बन गए, उनको मेंटेन कर रहे हैं, वो सब देन हमारे भाई साहब के सलाह के तौर पर हम लोग चले थे और आज इतना अच्छा हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भाई साहब का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है इसलिए मैं कहता हूँ। वार्ड 6 से सनी दौलताबाद इस बार पार्षद के उम्मीदवार हैं और लोगों के बीच में जाना उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन काफ़ी लंबे वक्त से प्रारंभ कर दिया है। उनके छोटे भाई अक्षय हमारे बीच में मौजूद हैं। अक्षय, कैसे देखते हो, चुनाव नज़दीक है, भाई आपके बड़े भाई आपके चुनाव लड़ रहे हैं,
देखो चुनाव तो है पर ये तो हमारा परिवार ही रहा है एक तरह से। अब जब से हम आए हैं इस कॉलोनी में और मेरे पिताजी तो इससे जब से इसका जन्म हुआ है तब से जुड़े हुए हैं इस कॉलोनी से, तो ये हमारे लिए एक चुनाव नहीं, एक परिवार के अंदर ही बस अपना मैसेज जो है हमारा वो पहुँचाना है, क्योंकि बहुत भ्रमित रहा है हमारे यहाँ की राजनीति ना, कि लोगों को बहुत भ्रमित करा गया है, जो पढ़े लिखे उम्मीदवार नहीं मिले हैं। और हमेशा ये सोचा गया है कि जैसे आप नॉर्मल घर में रहते हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो आप ऐसा ज़्यादा सोचते नहीं हो कि आप राजनीति में जाओगे या ऐसा कुछ करोगे, कि आप अपनी जिम्मेवारियों में उलझे रहते हैं, तो अपनी कम्युनिटी के लिए सोसाइटी के लिए कुछ काम नहीं कर पाए। क्योंकि भैया भी इंजीनियर हैं, जाके बढ़िया कोई आईटी की जॉब ले सकते थे, 50-60 लाख रुपये का पैकेज होता है। अब अपना सारी चीज़ें छोड़ के अपने घर के लिए काम करना और चीज़ों के लिए काम करना, वो भी एक बात में मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं भी थोड़ा तो आप लोग डोर टू डोर आप कर रहे हैं, परिवार है, लोगों के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं, तो आप डोर टू डोर आपने कैंपेन भी चला रखा है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। उम्मीद है जीतोगे? उम्मीद नहीं है, 100% गारंटी कि हम जीत रहे हैं। अब ये बात सिर्फ इसलिए रहेगी कि हम कितनी वोटों से जीत रहे हैं। हम 5-7 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, 10 हज़ार से जीत रहे हैं, मार्जिन रहेगा, मार्जिन बहुत खतरनाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एन ब्लॉक के अंदर राकेश दौलताबाद आज जनसंवाद में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की। लोग बाग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, बच्चों ने भी भाग लिया, और जिस प्रकार से लोगों को आश्वासन राकेश दौलताबाद की तरफ से दिया गया, जो लोगों की समस्याएं थी वो खुलकर 3 साल से निरंतर इसी प्रकार से जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं अपने कार्यालय पर, जिसे झोंपड़ी का नाम दिया गया है दौलताबाद गाँव के अंदर, वहाँ भी निरंतर शुक्रवार और शनिवार को जनता के बीच दरबार लगाते हैं और बैठते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग बाग अपनी समस्याएं लेके आते हैं। लाखों करोड़ रुपए का बासापुर विधानसभा के अंदर राकेश दौलताबाद ने काम किया है, यह सच्चाई है, अपने आप में किसी से छुपी भी नहीं। राकेश दौलताबाद एक विधायक ऐसे हैं जो कि सरकार से अपनी बात को रखने में बड़े मजबूती सी से विधानसभा के अंदर भी रखते आए हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर आज जनसंवाद फिर हुआ, लोगों ने समस्याएं रखी, आश्वासन, एक साल के कई कामों को, बड़े बड़े कामों को लिए रख दिया गया है। साथ में जनसंवाद के साथ साथ में नगर निगम चुनाव को लेकर भी घंटी कभी भी बज सकती है, उसको लेकर सनी दौलताबाद ने भी अपना यहां पर ताल ठोक दी है, लोगों के बीच में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उनके भाई अक्षय ने जिस प्रकार से बताया कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये हमारा एक परिवार है, संदेश देने का हम प्रयास कर रहे हैं, और जीत इस बार हमारी एक लंबे मार्जिन से होगी, काफ़ी फैक्टर रहेगा, और लोग जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं यहाँ से, और भी लोग भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, राजकुमार है, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, इस बार कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, तो तमाम इनके सामने चुनौती भी होगी। वक्त अभी काफ़ी लंबा है, जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर्ष में। धन्यवाद।